दामोदर भैया, सुना हूँ आपका आधार कार्ड नहीं बना है, क्या सही बात है? आधार कार्ड नहीं बना है, आप नहीं जाता, नहीं आता, फिंगर नहीं आता, तो नहीं बन रहा है आधार कार्ड। तो फिर तो चावल वावल भी नहीं मिलता होगा आपको, आधार कार्ड नहीं मिलता है। कब हुआ था ये? तो मालूम नहीं है, 57 साल हो गया। 57 साल हो गया आपको? और जब जन्म हुआ था तो आपको हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे? नहीं मालूम है, अब क्या मालूम। हाँ, बचपन से आप जब से जानते हो तब से? हाँ, जब से। अच्छा, मतलब 2-4 साल बाद बिगड़ा ऐसा नहीं है, पहले से ऐसी? हाँ, पहले। काम करते दिखाओ तो मरामतर भी। अच्छा अच्छा, उसी में करते हो? सभी जगह पहुंच जाता है डंडा? लो तो पहुंचाओ तो इस पर। अरे वाह। हाँ दोस्तों, अभी मेरे हाथ में जो देख रहे हैं रामावतार भैया है, और अभी ये 57 वर्ष के हैं, और इनकी अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है कि इनको शासन प्रशासन का लाभ नहीं मिल पाता है। पिछले बार भी मैंने इनसे मुलाकात किया था, इनके बारे में जानने का प्रयास किया था, और अभी मैं फिर से पहुँचा हूँ मैहर, और रास्ते में दिख गया मुझे रामावतार भैया। तो रामावतार का जीवन जो है ऐसा चल रहा है। वैसे मैं इनके पूरे जीवन के बारे में आपको अवगत कराना चाहता था, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाते तो इनका देखभाल करना भी इतना आसान नहीं है ना। रहने खाने से लेकर हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो रामावतार भैया से भी जानेंगे, और जो इनके देखभाल करते हैं और इनके पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, उनके भैया से भी जानेंगे इनका जीवन काल कैसा रहा, 57 वर्ष पूरा, ये बहुत बड़ी माना है। रामावतार भैया, थोड़ा अपने बारे में बताना तो। हाँ, रामावतार नाम है। और क्या क्या करते हो? कुछ नहीं कर पाते हैं, तो रहते बचपन से। बचपन से कुछ इच्छा मन में? कुछ इच्छा आपका है मन में? इच्छा कुछ मांग? मांग हो तो कितने देर ले जाए, मांग तो कुछ नहीं दिया। हाँ, कहाँ कहाँ गए थे? भोपाल गया। हाँ, भोपाल गया था, कहीं नहीं गया। भोपाल गए थे? क्या चीज़ की मांग के लिए गए थे? घर के लाने। घर के लिए? घर नहीं मिला? घर नहीं दिया। बचपन से ऐसे हो? तो कौन आपको देखभाल करता है? पहले माता जी करती है, चाची करती है। माता जी नहीं है अब? हाँ, सियानी हो गई। सियानी हो गई। हाँ, जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय सतना, मध्य प्रदेश, विकलांगता प्रमाण पत्र 100% विकलांग। 51 वर्ष के उम्र में था तब इसको बनवाया था। अभी 57 वर्ष चल रहा है, और ये उनका प्रमाण पत्र है, जिनके माध्यम से पता चलता है कि कितना प्रतिशत वहाँ विकलांग की स्थिति में है और क्या क्या लाभ मिलना चाहिए। लेकिन क्या क्या लाभ मिला है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत सामने आ रहा है इसमें कि एक कुआँ है, उनके कुआं में ज़बरदस्ती मोटर लगा के पानी निकालने का काम किया जा रहा है, जिसको यहाँ आवेदन लगाए थे और इन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये तो यहाँ सतना जिला है, एक छोटा से गांव है आहारी। आहारी में जन्मभूमि है। प्याज ये 40 साल से यहाँ माता के चरण में पड़े हैं, माता के आंगन में रहते हैं। जो भक्त लोग आते हैं वही जो कुछ दे देते हैं, तो उसी में उनका जीवन व्यतीत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रजात से टूरिस्ट गाइड, और आज मैं पहुँच गया हूँ मैहर, और विशेष रूप से पहुँचा हूँ मैं रामावतार भैया के लिए, उसके जीवन से आपको अवगत कराने के लिए। तो अभी उनके साथ में है, आप रामावतार भैया के क्या लगते हैं बता दीजिए? चाची। चाची हैं। तो आप कब से रामावतार भैया की सेवा देते आ रहे हैं? 15 साल। 15 साल से उनके साथ में है। तो क्या क्या परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ता है? पूरी छोटे बच्चे जैसे सेवा करना। पूरे छोटे बच्चे जैसे सेवा करते हैं। अच्छा, और यहाँ क्या क्या दिक्कत आपको सामना करना पड़ता है मंदिर परिसर में? जैसे अभी बताया, पता चला है कि कुआं में कोई पानी नहीं आपने निकालने के लिए रहता है। अच्छा, बैठने भी नहीं देते? हाँ, यहाँ के जो ये दुकानदार हैं तो जहाँ रखते हैं वहाँ से उठाओ उठाओ उठाओ, ये लहास को कहाँ रखे हो, इसको ले जाओ तो कचड़ा में डाल दो। तो कोई किसी के आंधा लांगड़ पैदा हो जाता तो कोई कचड़ा में डाल देता है। तो यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, सब चिढ़ते जलते हैं, कोई बैठने खाने नहीं देता। हाँ। एक तो खुद मुँह खोल के मांगते नहीं, जिसको तरस लगती है वो दे देता। सही बात है, मैं तो देखा हूँ मांगते नहीं। हाँ, तो उसी में से जीवन व्यतीत होता है। पर यहाँ के देखने वालों को खूब जलन होती है। अरे बाप रे। तो क्या क्या अभी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पानी उन्हें अब वो पानी वाले को वो मना किए हैं कि हम छोटी सी कुइयाँ लॉकडाउन में चावल वावल बेच के या कुछ कर्जा करके हम खुदाए हैं, तो भैया निकाल लो ये मोटर को। तो बोलते हैं कि कितने का मार काट के है तो वो रख लिए हैं, आप तेरे को है तो यही कुइयाँ में डाल देंगे, जो बोलेगी या नहीं मशीन चुप्पी रखे रहने, सास की ज़मीन है तेरे बाप की नहीं है, ऐसे धमकी हुड़की दिखाते हैं। तो यहाँ माई के धाम में तो सभी सास की में है, किसका पट्टा बना किसी का नहीं है, सही बात, सभी को लाचार है। तो छोटी सी कच्ची कुइयाँ है, कर्जा वर्जा करके खुदा लिए हैं, लेबर लगा के चावल वावल दे के, तो उसी में से है तो गुंडेगिरी करते हैं, तब क्या करें, सह सह के रह जाते हैं। वो हम तो आदमी औरत है और वो है तलांगड़ है, क्या कर सकते हैं किसी का, तो अपन ऐसे दब के रह जाते हैं, क्या करें। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? रामातर भैया के बहन है 6 जने, तो सब शादीशुदा वाली, घर दुआर में है, भाई हैं तो कभी कभी आते हैं, नहीं घर में अपन तो भी आप दोनों ही रहते हैं। हाँ। अब पूरा आपका सेवा में दिन जो है 15 साल ऐसे गुजर रहा है। हाँ। इसको लाते हैं मंदिर के पास में रखते हैं, जो भी श्रद्धालु दे देते हैं उसी से जीवन यापन, अलग से लोगों का सुनना भी पड़ता है। हाँ। शासन प्रशासन से भी आपने पिछले बार हमने जानकारी मिला था कि गए थे शासन प्रशासन से गुहार लगाए थे कुछ सहायता के लिए, सहयोग के लिए, कोई नहीं सुनता। राशन में ले जाएंगे तो खाना तो मिलेगा, सेवा कौन करेगा, हमारे बच्चे तो शादी हो जाता है। ठीक, ऐसे बहुत से जीवन में कठिनाई है, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जो हमको आकर्षित करते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में चाह होता है कि मैं ये करूं, गाड़ी बंगला दुनियादारी कुछ न कुछ रहता है, पढ़ाई लिखाई संबंधित रहता है, आगे बढ़ने का रहता है, लेकिन शरीर ही नहीं है, तो उस अवस्था में जाना, उस सपना को देखना भी असंभव है, इनके लिए आश्चर्य है। और मुझे जानकर हैरानी भी हुआ है कि हर एक के जीवन में एक लक्ष्य रहता है आगे बढ़ने का, लेकिन यह सब चीज़ को त्याग कर रोड के किनारे में मांगते रहते हैं। और इनके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे अपन, न वो चल सकते न फिर सकते, तो वहाँ पे कुआं में थोड़ा पेंशन वो भी बंद हो गया सुना, नहीं मक्खी हाँकते हैं, जो मक्खी काट दिए मच्छर ऐसे हिलाते। अच्छा, उसी में करते हो ले तो भैया कैसे हिलाते हैं? हाथ का काम करता है। अच्छा, वो हाथ का काम करता है मक्खी। अच्छा अच्छा, बस वही सहारा है। वहाँ से ऊपर से आदेश दिया जाता है, तो यहाँ के मध्य प्रदेश के इतने खौआ हैं ये सब जाने नहीं देते, ऊपर कागज यहीं दबा देते हैं तो नहीं आता है। खूब कई फार्म भरे, 10 फार्म भरे, हमारा राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, फार्म भर भर के थक गए हैं आप, और आधार कार्ड भी नहीं बने हैं? आधार कार्ड हमारा है, उनका नहीं बना है। और पेंशन मिलता है? हमको पेंशन कुछ नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलता। तो दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत कुछ है जिनसे हम वंचित रह जाते हैं, योजना विकास से सही व्यक्ति को सही लाभ नहीं मिल पाता, ऐसा भी हमको देखने को मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि मदद के लिए कोई आ गया शासन प्रशासन की तरफ से इनको। फिलहाल अगर इसको ट्राई साइकिल जो होता है, क्या जो साइकिल आपको कौन सा लगते हैं? व्हील चेयर के माध्यम से ये लोग सफ़र करते हैं, व्हील चेयर को चलाते चलाते लेके आते हैं, लगभग 3 किलोमीटर का प्रतिदिन सफ़र करते हैं और गांव से बाहर हैं और व्हील चेयर भी टूटने के कगार पर हैं, बिगड़ गए हैं। तो ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इनके गर्मी के समय में मेहनत मजदूरी करके कुआँ को खोदे थे और कुआँ में पानी है तो कोई दूसरा मोटर लगा के उसको चुरा के निकाल रहा है और मना करने पर फिर दादागिरी वाली बात हो रहा है। ऐसे कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और यहाँ से भी हटाने का प्रयास किया गया है लोगों द्वारा, दुकान वालों द्वारा कि यहाँ मत रहिए ऐसे करके, शासन प्रशासन या फिर समिति के द्वारा। लेकिन आज अभी है, सुरक्षित हैं और अभी रह ही रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 40 साल हो गया। यहाँ मैहर पर 40 साल? 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो 40 साल में और क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा है? ऐसा और कुछ नहीं, एकदम ज़्यादा तकलीफ यही है कि जो भगाते हैं वो ऐसे वहाँ सीढ़ी में जाते रहे, तो सीढ़ी में ही हैं तो कमेटी के लोग बोलते रहे हैं 108 रहा, बोला कि इसको भर के कचरा में फेंक देंगे, इसको इधर न लाना, लोग देखते हैं तो भीड़ भाड़ लगती है। तो ऐसे दूर वाली है तो लपट पड़ती हैं, चावल वावल फैला देती है। कितने लोग ऐसे खूब परेशानी किए हैं, पर अब क्या करें, लाचार को लिए भाई क्या करें। चलिए ठीक है, आप ये आपको सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन हो। रामावतार भैया की यही कामना करते हैं। आप जो सेवा दे रहे हैं, इनको देखभाल कर रहे हैं, इनको पूरा नहाने खाने धोने से लेकर हर एक चीज़ का, इसका मैं खुद आभारी रहूँगा। और आपकी सोच को भी सलाम करता हूँ, इस सेवा को भी, कि आपने एक बीड़ा उठाया है इनके पूरे जीवन में, देखभाल कर रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से इनका जीवन यापन होता है, और यहाँ से भी लोगों द्वारा हटाने का भी प्रयास किया गया है। देख सकते हैं ठीक रास्ते किनारे आवागमन श्रद्धालुओं का लगा रहता है, और ठीक सामने नीचे में ही रामावतार भी ऐसे सो रहते हैं। सुबह 7 बजे से आ रहते हैं, सुबह 7 बजे से आ रहते हैं, और शाम को 7 बजे घर जाते हैं, रात को 7 बजे 6 बजे। अच्छा, खाना वाना फिर आप जाके बनाते हैं? शाम खाते हैं। हाँ, जीवन जीना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ अच्छे स्वस्थ रहने के बावजूद भी अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी सी नाराज़गी की वजह से या फिर लक्ष्य की प्राप्ति ना होने की वजह से। लेकिन दुनिया में से बहुत लोग हैं, असहाय लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो किसी न किसी परिस्थिति में मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना होता है, चावल भी नहीं मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं योजना विकास से वंचित रहते हैं। उन्हीं को हम आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको एक सुविधा मिले, लाभ मिले, योजना से वंचित ना रहे। हर हमारा सिर्फ यही प्रयास रहता है। इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ से फिर एक बार मध्य प्रदेश का सफ़र किया हूँ, और यहाँ मैहर आया था। और निश्चित रूप से मेरे आने का कारण यही था कि रामावतार भैया से फिर मिलूँ, इनका हाल चाल जानूँ, और जो मेरे से कुछ हो सके मैं भी सहयोग के लिए आगे आऊँ। और दिवाली आने वाला है, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिवाली ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपने आसपास, अपने स्तर में लोगों की सहायता सेवा करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम से थोड़ा बहुत निकाल कर गरीबों में दान करें, जो आपसे हो सकता है। हो सके तो समय दान करें, लेकिन हो सके तो अपनी खुशियाँ जो है दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो भैया चलते हैं, हैप्पी दिवाली बोलो एक बार। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो रामावतार भैया कभी स्कूल जाने का मन नहीं किया? स्कूल गया नहीं, तो पहले हमारे गांव में स्कूल जाने का मन करता था। स्कूल गए हो कभी? नहीं, देखे भी नहीं हो, पढ़ने लिखने का ध्यान ही नहीं गया।